नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। नंदापुरम विवेकानंद घाट पर चल रही संगीतमय भागवत कथा सुनने धर्म प्रेमी आ रहे हैं। कथावाचक पंडित श्री अरविंदाचार्य जी महाराज के श्रीमुख से कथा का श्रवण कर भक्तजन पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। आज कथा के छठवें दिन श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह का प्रसंग में श्रोता झूम उठे एवं अपने आप को नाचने से नहीं रोक पाए। श्री कृष्ण रुक्मणी का वरमाला डालकर विवाह हुआ एवं अंत में सभी भक्त लोगों ने उनकी आरती के समय आरती उतारी। भागवत कथा की आयोजक एवं बागेश्वरी संगीत कला केंद्र परिवार की रागनी तरदे द्वारा कथा सुनने आए पंडित गोपाल प्रसाद खड्ड, पीयूष शर्मा, नीरजा फौजदार, वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल तिवारी, पत्रकार प्रदीप गुप्ता, तेज कुमार गौर, विधायक प्रतिनिधि प्रकाश शिवहरे, हेमंत राजपूत, सुचित्रा यादव का सम्मान भी स्मृति चिन्ह देकर किया। प्रदीप गुप्ता की रिपोर्ट। सभी प्रेम से झूमते हुए जिसको ब्रज के महाराज को चलना है। आयो मदन गर्व कर मन में हरि पे करूं चढ़ाई। जमाना कोनी हो करो जमेरा कोनी मुरलिया बाजी जमुना के दी मुरलिया बाजी रे जमुना के दी जमुना के तीर है जमुना के तीर है जमुना के तीर मुरलिया बाजी तीर मुरलिया बाजी रे जमुना के तीर। जमुना के तीर
वीर बाजी ने जमुना के दी रुक्मणी कृष्ण भगवान जय हो। पहले रुक्मणी ने वर्ण किया, अब माल्यार्पण हो रहा है, ताली बजा करके सभी लोग अब कन्हैया पुनः वर्ण कर रहे हैं। श्री कृष्ण रुक्मणी की, श्री रुक्मणी कृष्ण की ये मधुर छवि आप सब दर्शन कर रहे हैं, वहाँ नीचे विराजमान होंगे, आप सब निकटता से दर्शन करते रहेंगे। जिन लोगों को रुक्मणी कृष्ण के मंगल के प्रथम पादुका पूजन के लिए बबीता शिवहरे की शखियां गा रही हैं, हे मुकुट धर सां।